सो हेलो गाइस, वेलकम टू जीरो टू मिलियनेयर पार्ट 11 में। जैसे कि आपने पार्ट 10 में देखा कि मैंने एक बड़ा ट्राली खरीदने के बाद मैं देखने लगता हूँ कि और क्या चीज है जो मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी प्रोडक्शन करके एक मिलियनेयर बनना है। इसी दौरान मैं प्राइस देखने लग जाता हूँ और प्राइस में मुझे वूल का प्राइस एकदम ज्यादा दिखता है और ये प्राइस और भी बढ़ रहा है। इसीलिए मैं ट्रैक्टर लेके सिप फार्म की तरफ निकल जाता हूँ। जब तक मैं सिप फार्म की तरफ जा रहा हूँ, आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए। और फार्म में पहुंचने के बाद मैं यहाँ वूल देखने लग जाता हूँ। आप भी देख सकते हैं कितना ज्यादा वूल प्रोडक्शन हुआ है। और दोस्तों, यहाँ वूल का प्राइस और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है, इसलिए मैं अभी नहीं बेचता और थोड़ी देर रुक जाता हूँ। तब तक मैं यहाँ खेत से काम करने लग जाता हूँ और वूल का प्राइस जैसे ही मैक्सिमम हो जाता है, मैं उसे बेचने के लिए निकल जाता हूँ। और जब तक मैं जा रहा हूँ, आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए। और मैं यहाँ पर टोटल 9,997 रुपए का वूल बेचता हूँ। लगभग 10,000 का वूल बेचने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब मुझे वूल प्रोडक्शन करने चाहिए, जिसकी वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ और मैं 50,000 रुपए का एक ही बार में ज्यादा सिप खरीद के वूल प्रोडक्शन करने का सोचता हूँ, क्योंकि खेत का एक इनकम है ही है और सिप का वूल बेच के भी एक और इनकम हो जाएगा। इसलिए मैं फटाफट फार्मिंग में लग जाता हूँ। यहाँ पर हार्वेस्टर भर जाता है, इसलिए मैं ट्राली लेके भरने आ जाता हूँ और ट्राली भर के इसे स्टोर कर देता हूँ। स्टोर में डालने के बाद मैं फिर फार्मिंग में लग जाता हूँ, जहाँ पर मैं हार्वेस्टिंग करता हूँ और कल्टीवेटर सब देखता हूँ। उसके बाद लोडिंग वैगन में घास खत्म हो जाता है, इसलिए मैं लोडिंग वैगन लेके फार्म में आ जाता हूँ और आने के साथ ही मैं लोडिंग वैगन चला के घास उठाना शुरू कर देता हूँ और वैगन में घास भरने के साथ ही मैं सिप फार्म की तरफ निकल जाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो एक लाइक कर दीजिए। फार्म में पहुंचते ही मैं वैगन अपनी जगह पर रखता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। और फार्म में पहुंचते ही कोरोना का प्राइस एकदम हाई होता है, इसलिए मैं ट्राली को जोड़ लेता हूँ और हार्वेस्टर की तरफ निकल जाता हूँ। यहाँ पहुंचने के बाद ही हार्वेस्टर से ट्राली में भरने लगता हूँ। ट्राली भरते ही मैं सोले की तरफ चला जाता हूँ और जितना भी वहाँ होता है इसमें भर के निकल जाता हूँ। देखता हूँ तो ग्रेन स्टोरेज में सबसे ज्यादा प्राइस होता है, इसलिए मैं ग्रेन स्टोरेज में चला जाता हूँ बेचने के लिए। और जहाँ पर मुझे बेच के मिलते हैं 24,051 रुपए। देखा दोस्तों, सिर्फ आधा ट्राली बेचने से ही मुझे 24,000 रुपए मिल गए। तो पूरा ट्राली होता तो कितना ज्यादा पैसा मिलता। हमें पहुंचते ही फिर ट्राली रख देता हूँ और हार्वेस्टिंग करने लग जाता हूँ। जब हार्वेस्टर भर जाता है तो फिर मैं ट्राली में भरने लग जाता हूँ। अभी प्राइस गिर जाता है, इसलिए मैं ट्राली को साइड में लगा देता हूँ और फिर से हार्वेस्टर से काटना शुरू कर देता हूँ। कुछ देर बाद फिर हार्वेस्टर भर जाता है, इसलिए मैं ट्राली लेकर आ जाता हूँ और इसमें लेता हूँ। दूसरी तरफ मैं कल्टीवेटर भी लगा देता हूँ। ये कल्टीवेटर प्लस सीडर दोनों है और ये बहुत पैसा बचाता है, क्योंकि इसमें सीडर का पैसा अलग से नहीं लगता है। इसे अंदर की व्यू में देखने में बहुत मजा आता है, आप भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हार्वेस्टर भर जाता है, इसलिए मैं ट्राली लेके आ जाता हूँ और ट्राली में भरना लग जाता हूँ। उसके बाद मैं ट्राली को साइड पर लगा देता हूँ और कल्टीवेटिंग शुरू कर देता हूँ। इतने में ही सिप फार्म से मैसेज आता है, इसलिए मैं सिप फार्म की तरफ निकल जाता हूँ। और जब तक मैं सिप फार्म की तरफ जा रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर मैं वूल बेचने के लिए चला जाता हूँ। जब तक मैं जा रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आप कहाँ से देख रहे हैं और आप में से कौन कौन अभी भी FS20 खेल रहे हैं, ये भी कमेंट कर देना। दोस्तों, मैं वूल बेचने वाली जगह पे आ जाता हूँ, जहाँ पर मुझे मिलते हैं वूल बेच के 8,175 रुपए। वूल बेचते ही मैं सिप फार्म की तरफ निकल जाता हूँ और रस्ते में जो गिरा हुआ था उसे उठा के चला जाता हूँ। और सिप फार्म से निकलते ही मैं अपने ओरिजिनल फार्म की तरफ निकल जाता हूँ। और आप ये भी कमेंट कर देना कि आप आईफोन में खेलते हैं कि एंड्रॉइड में। और खेत पे आते ही मैं प्राइस चेक करने लग जाता हूँ और प्राइस में देखता हूँ कि कनोला का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए मैं फटाफट से हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। दूसरी तरफ इधर कल्टीवेटर भी शुरू कर देता हूँ और कल्टीवेटर करते करते प्राइस भी चेक कर लेता हूँ। प्राइस चेक करते हुए पता चलता है कि कोरोना का प्राइस मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए मैं ट्रैक्टर लेकर ट्राली जोड़ लेता हूँ और हार्वेस्टर से बचा हुआ इसमें उठा लेता हूँ। जहाँ पर मैक्सिमम प्राइस होता है वहाँ का लोकेशन में टैग कर लेता हूँ और उठाने के बाद मैं इसे बेचने के लिए निकल जाता हूँ। और जब तक मैं जा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने FS23 नहीं खेला है, अगर आपको खेलना है तो आप कमेंट करो, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर मैं आधा ट्राली कनोला 25,924 में बेचता हूँ। अब मेरे पास 71,000 रुपीज है, जो की बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं 50,000 से ज्यादा 60,000 रुपए में सिप खरीदने वाला था। इसीलिए मैं सिप फार्म की तरफ निकल जाता हूँ। और जब तक मैं सिप फार्म की तरफ जा रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फार्म पे पहुंचते ही मैं सिप देखने लग जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिप खरीदने लग जाता हूँ। और जहाँ पर मैं 70,400 का 44 सिप खरीदता हूँ। और इतना ज्यादा सिप खरीदने के बाद ही मेरा घास और पानी खत्म हो जाता है, इसलिए मैं पानी का टैंकी यहाँ से भर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास पैसे बहुत कम बच जाते हैं, इसलिए काम भी रुक सकता था। मैं बच्चा कच्चा वूल लेके बेचने के लिए निकल जाता हूँ। और दोस्तों, 70,000 का सिप खरीदने के साथ ही आज का मिशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं यहाँ पर 4,465 रुपए का वूल बेचता हूँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।